हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी साहब जा चुके हैं ड्यूटी और मैं खा रही हूँ ये वाले लड्डू। अम्मी को बोलते पता नहीं क्या है इनको, पर बचपन में मैंने बहुत खाया और इनका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको खाने के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के नहाने जाऊँगी, फिर मिलते हैं नहा के। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और साथ में जैसे मैं नहा के पहुँची तो मेरा एक पार्सल आ गया। मतलब तो वेट, लेट मी शो यू इसमें क्या है। पैकिंग तो ठीक है, मतलब ओके। वाह, इट्स टू प्रिटी। बाहर से तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने इतने सारे इयररिंग्स मंगवाए थे ओके, और इसका MRP है 1499, बट ये मैंने ऑफर पे मंगाया तो मेरे को काफ़ी सस्ते पड़े हैं ये। और इसमें कुछ निकल गया क्या? नहीं, अच्छा ऐसे ही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितने पेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 पेयर्स हैं ओके। चलो एक तो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ अभी। किसी को चाहिए होंगे तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, आई विल सेंड यू प्रोडक्ट लिंक जो भी है इनका, आई विल शेयर विद यू गाइज। एंड मुझे किसी ने ना कमेंट करके बोला कि आप अपने पति के लिए कुछ नहीं लेते, भैया पूरा ब्लॉग देखा करो, ऐसे कुछ मत बोला करो, क्योंकि मैं उनके लिए भी लेती हूँ और भाई मेरे जो सामान है वो बहुत सस्ता जाता है और उनका आता है भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली, तो बार बार उनको नहीं ले सकती। मेरे अब शूज़ हैं, मतलब मान लो मैं अपने लिए शूज़ ले रही हूँ, 800 900 1000 1500 2000 तक, इससे ज़्यादा तो मैं लेती नहीं ठीक है। और उनका एक ही जूता, मतलब एक पेयर ही लिया तो वो 10,000 का आता है। तो सोच लो आप, जितने में उनकी एक जूता आता है उतने में मैं पूरा महीना शॉपिंग कर सकती हूँ, कर लेती हूँ और करती हूँ। तो ऐसे है, तो आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है यार। आई एम नॉट लुकिंग बैड, कितना अच्छा लग रहा है। रुको, नेक्स्ट भी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ मैं ठीक है। अब तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि अगर आपको अच्छा लगेगा देन यू कैन जस्ट टेल मी कि हमें पसंद आ गया। अरे हाँ, ये वाला वाइट वाला, ये वाला ना आप किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास वैसे रियल पर्ल वाले हैं जो अंडमान से मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं बट वो मेरे पास रियल हैं ओके। मैं सोच रही थी कि उनमें कुछ ना गोल्ड का लिटल बिट कुछ ऐड करवा के उनको और ज़्यादा, मतलब लाइफ टाइम के लिए उनको संभाल के रखूँ। वैसे भी लाइफ टाइम के लिए रहने हैं बट फिर भी। सो यू कैन सी दिस, ये भी काफ़ी प्रिटी लग रही है क्योंकि मेरा भी कलर ही मैंने ऐसा वेयर किया है ना, इसके साथ वाइट बहुत सही जाएगा क्योंकि कल वाले कपड़े मैंने पहने हैं, क्योंकि सर्दियों में तो दो दो दिन तक पहनने पड़ते क्योंकि यार कपड़े ना सूखते नहीं है बहुत जल्दी, और मेरे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है, उसमें कपड़े जल्दी से वो हो जाते हैं, अन ड्राई हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा वाव, जस्ट लुक एट दिस यार, OMG वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्या ही बोलूँ मैं। जिसको लेना होगा ना जस्ट बस, यार गिर गया उसका नीचे वाला, छोड़ो। मेरा ना जो मैंने डाले थे गोल्ड के, वो शायद चुभ गए थे मेरे कान में ना, निशान बन गया था। एंड इट लुक सो प्रिटी यार, ये मेरी वेस्टर्न के साथ भी चल जाएगा, इंडियन के साथ भी चल जाएगा और ये हर किसी ड्रेस के साथ चल जाएगा ओके। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सारे हैं और सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ये ओके। ये देखो, वाह यार, और इनका प्राइस बहुत कम है अकॉर्डिंग टू दिस इयररिंग्स। इतनी वैरायटी भी है और साथ में दूसरी बात ये कि क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं एक एक पहन के दिखा रही हूँ, अभी सारे दिखाने लगूँगी तो वाह, मेरे को खुद से प्यार हो रहा है खुद के कानों से, सॉरी खुद से तो मुझे बहुत प्यार है, जस्ट लव माई सेल्फ, आई डोंट नो है, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। कोई करे ना करे डेट इज़ डिफरेंट थिंग ना, बट मुझे, और आप भी खुद से प्यार करना सीखो, बुरा बोलने के लिए और बुरा वो फील कराने के लिए तो दुनिया है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो प्रिटी सिंपल एंड वेरी
प्रिटी ओके। और कौन सा रह गया, ओके यस 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 दिस वन। ये भी है एक ही, थोड़ा उसमें है डायमंड लुक में, तो ये भी आपका काफ़ी सही रहेगा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ओके सो नेक्स्ट वन मैं दिखाती हूँ आपको। ये बहुत सस्ते में और इतनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी विद क्वालिटी वाली शॉपिंग है ये। इतने सस्ते आपको सरोजनी में भी नहीं मिलेंगे और ना ही मिलेंगे आपको शास्त्री मार्केट चंडीगढ़ में। सो ये दिस वन इज़ वेरी सिंपल लाइक गोल्ड ऐसा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये भी। यू कैन वियर दिस विद ब्लैक, किसी के साथ भी चल जाएगा ऐसे तो। ओके एंड और कौन सा रह गया, अच्छा अब ये लास्ट है ओके, दिस इज़ द लास्ट वन जो मैं अभी वियर करूँगी। एंड इसका कुछ निकला हुआ है, निकला हुआ है, फंस गया ये, सॉरी निकला नहीं है, ऐसे निकलेगा, ऐसे खुलेगा, हाँ ओके इसको ऐसे लॉक करना है ऐसे, अब ठीक है ओके। तो मैं ये आपको वियर करके दिखाती हूँ भी। दिस वन इज ऑल्सो क्यूट एंड प्रिटी, इसको भी डाल, ये मैं दोनों डाल के दिखाऊंगी आपको तभी इसका पता चलेगा। ये मैंने रख दिया, आई विश की बॉक्स थोड़ा सा वो दे देते प्लास्टिक वाला, तो इनको स्टोर करने के लिए हो जाता अच्छा हो जाना था। बट यू कैन सी ये भी काफ़ी प्रिटी है, या तो आज की मेरी ये ऑनलाइन शॉपिंग है जो मैंने की है ओके। और ये मुझे बहुत सही लगी, मेरे हस्बैंड को कुछ भी अलाउ नहीं है, ना ब्रेसलेट ना चेन ना कुछ, तो उनके लिए तो ये चीज़ें लड़कियों के लिए ही होती हैं ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि मेरा बर्थडे भी आ रहा है, सो मैं बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ। आई रियली डोंट नो कि मैं क्या पहनूंगी एंड एक्साइटेड टू मच। तो आज का मुझे लग रहा है लंच बाहर से ही कुछ मंगाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है आज, सीरियसली मैंने कुछ नहीं बनाया काम करने के चक्कर में। यार पता नहीं क्यों मैं इतनी बहुत, मतलब मेरे को सफाई बहुत पसंद है, कहीं डस्ट दिख जाए कुछ दिख जाए, मैं और काम छोड़ के ना वो काम पहले करूँगी, तो वही एज यूजुअल डेली की सफाई सफाई सफाई। और यहाँ पे ऐसे ना कि डस्ट जल्दी पहुँच जाती है अंदर, पता नहीं कैसे। तो कल पोछा नहीं लगाया था, कल झाड़ू ही लगाया था टू बी ऑनेस्ट, तो आज मैंने पोछा वगैरह लगाया सारा, तो ऐसे सारा काम किया मैंने। अभी मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं कुछ नहीं बनाऊं, बाकी मैं उनको पूछ लेती हूँ कि उनका खाने का क्या मन है। अगर उनका मन बाहर से खाने का होगा तब मैं नहीं बनाऊंगी, तब हम ऑनलाइन कुछ मंगा लेंगे। तो मुझे बताना कि आपको ये कलेक्शन कैसी लगी। तो आज मैंने किया सो के आराम, क्योंकि आज मैंने नहीं बनाया खाना, बाहर से आ रहा है खाना, मुझे बोला कि मेरा भी कुछ तला हुआ खाने का मन है, मैं क्या ओके सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब आएगा खाना। वेटिंग आलू की स्टफिंग है, तो अभी ये लेके आ गए हैं नान विद छोले एंड प्याज और अचार घर का है, तो कर खाना खा के बताओ जल्दी से कैसा है ये। मुझे तो खुशबू अच्छी आ रही है, बट लेट्स सी। अच्छा है, सही है, ओके। तो अभी जो मैं आपको ऑलरेडी भी खा चुकी हूँ, उन्होंने ये पार्सल नहीं देखा है, आपने देखा है इसमें क्या है? नहीं ओके तो इनको मैं दिखाऊंगी और इनको मैं बोलूंगी किसका प्राइस गैस करोगी, इसमें कितने रुपए का सामान है। इधर आ जाओ, इसको निकालो और इसका प्राइस गैस करो कि ये कितने के हो सकते हैं इयररिंग्स। प्राइस इसका होगा
नाइन है पूरे, नाइन है ना, 3000 तक होगा, 3000 तक, 3000 कैसे, गोल्ड के थोड़े हैं, चांदी के थोड़े हैं, गेस अगेन, आई विल गिव यू ऑप्शंस, ओके, ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज 800, ओके, सेकंड ऑप्शन इज 500 और थर्ड ऑप्शन इज 200, 500 रॉन्ग, इसका प्राइस है ओनली 200 से भी लेस, मतलब 200, ओके, तो ये ओनली मात्र 200 रुपए के अंदर आता है ये सारा कॉम्बो, नीचे गिर गया। तो आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, होप सो आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।